الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا आका दी पाक जात उते अपनी पाक जुबान दे नाल दुरूदे पाक पढ़न दी सादत हासिल करो सारे मुसलमान सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह पाक जुबान दे नाल पाक आका दी जात उते दुरूदे पाक पढ़ो सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैक या हबीब अल्लाह वाला आली का व असहाबी का या रहमतल्लिल आलमीन। दिल में चाहत हो आका की तो दोजख कैसी, दिल में चाहत हो आका की तो दोजख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है। ऐ फरिश्तो मेरे आमाल न तोलो ठहरो, पहले देखो कि मोहम्मद का इरादा क्या है। दिल की उस बेदिल के दिल से मार्फत हो जाएगी, दिल ही दिल बंदगी में बंद होना चाहिए। मुर्तजा को मारना कोई मुश्किल नहीं, एक शर्त है आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। रुसवा करी ना हशर विच मेरी ऐबा नू, तैनू जग दे पीरां दा वास्ता ही। रुसवा करी ना हशर विच मेरी ऐबा नू, तैनू जग दे पीरां दा वास्ता ही। जिहड़ियां अर्श ते जा कीतियां सन उन्हां पाक तहरीरां दा वास्ता ही। तुरे अपहन सजाद जो करबला अंदर उन्हां कड़ियां जंजीरां दा वास्ता ही। मंगे फजल सरदार ना अदल मंगे, तैनू जैनब दे वीरां दा वास्ता ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज दी बाबरकत महफ़िल पाक नू अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। आशिक रसूल मोहतरम उल मकाम किबला भाई मियाँ मुहम्मद सादिक सऊ साहब, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती के अंदर पाक महफिल का अहतमाम फरमाया और जिदे अंदर उलमा हक्का तशरीफ ले आए और तशरीफ ले आ रहे, पर सरे मिंबर भी तशरीफ फरमा ने और महफिल पाक के अंदर भी हुक्म है। जिस तरह इंशाल्लाह मैं अपने टाइम उत्ते अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर देंगा, मैं कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर जो जिक्र मेरे जिम्मे लगाया है वो कोई मामूली जिक्र नहीं। जिमें काबे नूं वेखना इबादत है, जिमें मस्जिद नूं वेखना इबादत है, जिमें कुरान नूं वेखना इबादत है, अली दा चेहरा वेखना भी इबादत है। जिहड़ा पाक जिक्र सुनण वास्ते आया जरा बुलंद आवाज़ नाल सारे खुश हो के फरमाओ सुभान अल्लाह। टाइम थोड़ा इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, मैं आगाज़ गुफ्तगू इन्हां लफ्ज़ां कोल करदी हाँ कि मौला मुर्तज़ा दी काबे दे अंदर विलादत हो गई। तीन दिन हो गए मौला अली ने अखां नहीं खोलियां। मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम पहुंचे अपने चाचे हजरत अबू तालिब के घर, मुबारकबादी पेश की। हजरत फातिमा बिनत असद रोन लग गई। सरकार ने फरमाया चाची अजीब गल है, अल्लाह पुत्र अता करता है, लोग लड्डू तकसीम कर दें, मिठाइयां तकसीम कर दें। अली दुनिया में आया है, मेरा वीर दुनिया में आया है, अल्लाह ने तेनों लखते जिगर अता फरमाया, नूरे नजर अता फरमाया है। यह कोई रोन का वेला तो नहीं है, तो खुशी का वेला है। जनाबे फातिमा बिनत असद ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, गल तो ठीक है कि अल्लाह पुत्र अता करे, लोग लड्डू ते मिठाइयां तकसीम कर देन, पर अल्लाह ने जिहड़ा मैनू बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने जिहड़ा मैनू पुत्र अता फरमाया है, यह अखों को नबीना है। तीन दिन हो गए ने अखा नहीं खोलियां। मेरे आका सुन के मुस्कुराए, फरमाया चाची परेशान होने की जरूरत नहीं, हुण ओ नबी आ गया जिहड़ा गूंगियां कोलों गल्लां भी करा जानदा है, पत्थरां कोलों कलमे भी पढ़ा जानदा है। बोली बोली यार सुभान अल्लाह। जेड़ा हूं जिक्र कसम चुक के बैठा है कि मैं नहीं बोलना, वह अली दे जिक्र कसम तोड़ दे, उची फरमाया सुभान अल्लाह। फरमाया चाची हूँ वह नबी आ गया जेड़ा गूंगियां कोलों गल्लां भी करा जानदा है,
पत्थरों को कलमे भी पढ़ा जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने सलाम ने मौला अली पाक को अपने हाथों उत्ते चुकिया। ऐ जरा मंजर सामने रखी कि जो अली पाक को मेरे पाक आका ने अपने पाक हाथों उत्ते रखिया चुकिया। मैं ना बंदा तो भी बड़ी शान वाला जिन्होंने बाबे फरीद ने अपने हाथों उत्ते चुके होगा, बंदा तो भी बड़ी अजमत वाला जिन्होंने दाता साहब ने अपने हाथों जो है माशाला, बंदा तो भी बड़ी शान वाला है जिसनों ख्वाजा जमीरी ने अपने हाथों उत्ते चुके होगा, बंदा वह भी बड़ी शान वाला जिसनों सुल्तान बाऊ रहमतुल्ला ने अपने हाथों उत्ते चुके होगा, बंदा वह भी बड़ी शान वाला जिन्होंने बुल्ले शाह कसूरी ने अपने हाथों उत्ते चुके होगा, बंदा वह भी बड़ी शान वाला जिन्होंने अबू बकर ते उमर ते उस्मान ते मौला अली पाक ने अपने हाथों उत्ते चुके होगा। पर रब्बे काबा की कसम है जरा वेखो अखा खोल के वजूद मौला अली दा हाथ मदीने वाले मुहम्मद मुस्तफा दे। मेरे आका इस्लाम सरकारी अली पाक को अपने हाथों उत्ते चुके आ और सरकार ने अली पाक को अपने हाथों उत्ते चुके ते अपना मुंह अली पाक के कंध के करीब करके फरमाया कि या अली अख खोल। अली पाक ने अख खोल दी। जनाबे मेरे आका अपनी चाची को मुखातब होकर आते ने कूत आती सी नबीना जमी है, जरा गौर नाल देख के सही मेरे वीर की किन्नी शेरां वर्गी अख नजर पई आती है। पर जो मौला हुसैन बादशाह गए ना तो मौला हुसैन ने गाजी अब्बास को चुक के अपने हाथों उत्ते रखिया, हजरत अब्बास ने फौरन अख खोल दी। गल सुनने वाली तरह सुभान अल्लाह उची फरमा। हजरत अब्बास पाक ने अख खोल दी। किसी ने पूछा कि मौला ए तुसी हसन बादशाह आया तो अख नहीं खोली, थोड़े वालदे मोहतरम हैदरे करार आए तो अख नहीं खोली, थोड़ी वालदा मोहतरमा मौजूद सन तो अम्मा के सामने अख नहीं खोली, पर जदों ये मौला हुसैन तशरीफ लै गए हैं तुसी उदों अख क्यों खोली है। फरमाया पूछण वाले आ अगर तेरे इल्म विच है तेरी मार्फत विच है तू जानना है कि जदों मेरा बाबा हैदरे करार काबे विच आया सी मेरे बाबे ने भी उदों तिकर अख नहीं सी खोली जदों तिकर मुहम्मद नहीं सी आया, जो तिकर आमना दलाल नहीं सी आया। फरमाया कि मेरे बाबे उदों तिकर अख नहीं खोली जो तिकर सरकार नहीं आए। फरमाया उदी वजह ही है कि मेरे बाबे अली ने पूरी जिंदगी ताबेदारी करनी सी मुस्तफा करीम दी, पूरी जिंदगी गुलामी करनी सी मुस्तफा करीम दी। जो तिकर मेरे बाप का आका तशरीफ लेके नहीं आया उदों तिकर मेरे बाप ने अख नहीं खोली। मैं पूरी जिंदगी खिदमत करनी सी मौला हुसैन दी, पूरी जिंदगी गुलामी करनी सी मौला हुसैन दी। जो तिकर मेरा बादशाह तशरीफ लेके नहीं आया, जो तिकर मेरा आका तशरीफ लेके नहीं आया। फरमाया मैं भी उदों तिकर अख नहीं खोली। अली ने उदो तिकर अख ना खोली जो तिकर पाक नबी ना आया, हुसैन ने अब्बास ने उदो तिकर अख ना खोली जो तिकर मौला हुसैन तशरीफ लेके ना आया। तो जो है नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, तो जो है माशाल्लाह। जरा बयाक जुबान होकर जुबान अल्लाह नहीं आ गया, सारे बाजमात होके फरमाओ या अल्लाह जेड़ा ऊंची सुभान अल्लाह मौला अली दे जिक्र विच आके अज रात हैदरे करार दी ख्वाब विच ज़ियारत हो जाए। एदा बाद बुलंद करके जवाब दे मिलक लग जाएगा या अल्लाह जेड़ा सुभान अल्लाह ऊंची आके अली दी ज़ियारत हो। माशाल्लाह सारियां नूं तमन्ना है कि अल्लाह मेरे समेत हैदरे करार दी ज़ियारत इन कराए कि नाल मौला हसन बादशाह भी होवे नाल मौला हुसैन बादशाह भी होवे। अजीदा ने मन फरमाया कि मौला अली दुनिया में आ गए, अली पाक ने अख नहीं खोली, पर जो मेरे आका ने सलाम तशरीफ लेके आए जनाबे हैदरे करार ने अख खोल दी। और मेरे आका ने सलाम ने की कीता, मेरे आका ने सलाम ने अली पाक दे मुंह में अपनी जुबान रख दी। तो जो है मेरे आका ने अपनी जुबान मौला अली दे मुंह में रख दी और हैदरे करार सरकार की जुबान में चूस रहे जिमें छोटा जिहा बच्चा अपनी मां दे दुध नूं चूसदा है। आओ जरा कुरान की आयत पढ़िए ताकि मकाम अली समझ में आ जाए। यार की गल है फिर अली का जिक्र चंगा नहीं लग रहा, ये चंगा लग रहा फिर बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। अजीजा निमान मेरी आका ने अपनी जुबान हैदरे करार के मुंह में रख दी और सरकार अली मेरी आका की जुबान चूस रहे। आओ जरा कुरान की आयत पढ़िए ताकि मकाम अली समझ में आए। अल्लाह फरमाता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू मक्के शहर की कसम है
या अल्लाह मक्के शहर की कसम क्यों चुकी है? आबे जमजम का कुआं इस वास से कसम चुकी है, सफा मरवा की मुकद्दस पहाड़ियां इस वास से कसम चुकी है, तेरा घर खाना काबा इस वास से कसम चुकी है, मकाम इब्राहिम इस वास से कसम चुक रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ना खाना काबा की वजह तो कसम चुक रहे हैं, ना मकाम इब्राहिम की वजह तो कसम चुक रहे हैं, ना आबे जमजम के कुआं की वजह तो कसम चुक रहे हैं, ना सफा मरवा की मुकद्दस पहाड़ियां की वजह तो कसम चुक रहे हैं। या अल्लाह फिर कसम क्यों चुक रहे हैं? अल्लाह मक्का वो है जिदे अंदर मेरा मुहम्मद रियाश पजीर है, जिदे अंदर मेरे हबीब की निस्बत है, जिदे अंदर मेरा महबूब चले है, जिन्हें गलियों में मेरा हबीब चले है। अल्लाह का काबे की वजह तो कसम नहीं चुकी, आबे जमजम के कुआं की वजह तो कसम नहीं चुकी, सफा मरवा की मुकद्दस पहाड़ियों की वजह तो कसम नहीं चुकी। अल्लाह का अपने हबीब की वजह तो मेरा हबीब मक्के की गलियों में चले है, मेरे हबीब का मक्के के अंदर घर है, महबूब की निस्बत की वजह तो मैं मक्के की कसम चुक रही हूँ। मैं पूछना चाहना कि जिन्हें गलियों में मेरे आका की तलियां लगे, अल्लाह उन्हें गलियों की कसम चुक दे, उस अली का मकाम की होवेगा जिदे मुंह विच मदीने वाले मुहम्मद ने अपनी जुबान रखी होवेगी। नारे तकबीर, आचो के नारे रिसालत, सखियां दा जिक्र सखी बन के नारे हादरी। मेरे जाके तो मैं नहीं देंगे कसम चुको, दोनों कसम ठीक नहीं। हकीकत गल है, सुभान अल्लाह चलो देंदे नहीं, सुभान अल्लाह आखो तो सही खुश हो के यार। मौला अली का जिक्र हो रहा है, कुलखानी की महफिल नहीं, फिर अली का नौकर बन के उची फरमा सुभान अल्लाह। अली अली पाक, ओ अली पाक ने जिदे मुतलक मेरे आका ने फरमाया सी अली है कुल्ले ईमान, तवज्जो है, अली है कुल्ले ईमान। खंदक दे मौके उते जदों इब्ने फुद दे मुकाबले विच हैदर करार जान लगे, सरकार ने फरमाया सहाबा देख लो ऐ जिहड़ा काफर दे मुकाबले में जा रहे है ए कुल्ले ईमान जा रहे है, कुल्ले कुफर दे मुकाबले में जा रहे है। सरकार दे फरमान दे मुताबिक अगर बंदे दी सूरत विच ईमान दी ज़ियारत करनी होवे अली दी ज़ियारत करो। सरकार दे फरमान दे मुताबिक, मेरी अपनी गल के नहीं, फरमाया कि अली है कुल्ले ईमान, जिन्हें बंदे दी सूरत विच ईमान वेखना होवे ओ हैदरे करार दी ज़ियारत करे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह नबे लख दा पीर, पता ही है की आंदा है, ए अल्लाह दा वली आंदा है, दीन अस्तु हुसैन हुसैन दीन है। आखिर है ना, मेरी कोई किताबा का जुमला नहीं, मुकर्राना बात नहीं, सरकार आंदी ने कि अली कुल्ले ईमान है और अल्लाह का वली आंदा है दीन अस्तु हुसैन, हुसैन दीन है, यानी बंदे दी सूरत विच ईमान वेखना होवे हैदरे करार दी ज़ियारत करो, और बंदे दी सूरत विच दीन वेखना होवे मुर्शिद हुसैन दी ज़ियारत करो। याद रखे जे दीनदार रहना चाहना है हुसैन नू ना छोड़ी, जे ईमानदार रहना चाहना हैदरे करार नू ना छोड़ी। रब्बे काबा दी कसम है जिन्हें हैदरे करार नू कड कीती वह बेईमान होके मर गया, जिन्हें हुसैन नू कड कीती वह बेदीन होके मर गया। असी सुन्नी हनफी मुसलमान ना बेदीन ना असी बेईमान, साडा ईमान भी मुकम्मल है, साडा दीन भी मुकम्मल है, और असी हुसैन दे भी नौकर आ हैदरे करार दे भी नौकर। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, क्या बात है या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं आंदी भाई, प्यार भी मेरे चौपराटे नाल है तो सुभान अल्लाह भी ये नहीं आंदे। इतने तो मैं पहली दफा आया भाई साजा के हुक्म के नाल, माशाल्लाह तुसी आ गए हो यार, सुभान अल्लाह फरमा लो कुछ नहीं होता। और अली पाक का जिक्र हो रहा है, फरमाया अली कुल्ले ईमान है,
अली नु मनन वास्ते याद रखें मौला अली पाक का जेड़ा मकाम है ए मैं नहीं जानता कि हैदरे करार का मकाम की है मेरी ये ताकत कोई नहीं मेरी वसत कोई नहीं मेरी अकल कोई नहीं कि अली दा मकाम की है और याद रख मैं तुझे एक सबक दे रही हूं अली दा मकाम पूछने वास्ते मौलवी को ना पूछे ज़कात का मसला पूछ रहा हूं भी मौलवी को पूछ रहा हूं नमाज का मसला पूछ रहा हूं भी मौलवी को पूछ रहा हूं हज का मसला पूछ रहा हूं भी मौलवी को पूछ रहा हूं कुरान की तिलावत का मसला पूछ रहा हूं भी मौलवी को पूछे पर जब अली दा पूछने की बारी आए ये किसे मौलवी को ना पूछे लाल शबाज कलंदर को पूछे कि अली दा मकाम की लाल शबाज कलंदर अली दे दर दा फकीर है अली दे दर दा नौकर है ये पूछ रही थे दाता अली अजमेरी को पूछ ये पूछ रही थे बुल्ले शाह कसूरी को पूछ ये पूछ रही थे ख्वाजा अजमेरी को पूछ कि हैदरे करार दा मकाम की है और याद रख लें सरकार ने फरमा दिता कि मुनाफिक अली नाल प्यार नहीं करेगा मोमन अली नाल बोक्स नहीं रखेगा सियाबा ने अर्ज की आका असि मोमन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे आका थर्मामीटर क्या है फरमाया जिथे तुहानू शुबा होवे जिथे तुहानू शक होवे भाई इत्थे कोई मुनाफिक अली बैठा होया है उत्थे मेरे वीर अली दे नां नू बुलंद कर दियो सुन के चेहरे उत्ते बारह बजान समझ मुनाफिक है जे सुन के चेहरा गुलाब दे फुल दे तरह खिल जाए ते समझ अली दा पक्का गुलाम है नारे बोली यार सुभान अल्लाह क्योंकि दिल की उस पे दिल के दिल से मार्फत हो जाएगी दिल ही दिल बंदगी में बंद होना चाहिए मुर्तजा को मानना कोई मुश्किल नहीं एक शर्त है क्या आदमी को अंदर से गैरतमंद होना चाहिए हर बंदा अली नाल प्यार नहीं करेगा हर बंदा अली नाल मोहब्बत नहीं करेगा जिदे अंदर ईमान कोई नहीं उदे कोलू गैरत कोई नहीं जिदे कोलू गैरत कोई नहीं अली दा गुलाम कोई नहीं रब्बे काबा दी कसम है जिदे कोलू गैरत है उदे कोलू ईमान है और जिदे कोलू ईमान है वो मौला अली दा गुलाम है वजह है जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा ऊंची सुभान अल्लाह के उदे पिछले गुनाह माफ है मेहरबानी करो दुआ यह है कि अल्लाह जितने भी असि महफिल के अंदर तशरीफ फरमा हां मोहब्बत हजूर दे गुलाम हजूर दे नौकर आले मुहम्मद दे नौकर असाबे मुहम्मद दे नौकर असी हजूर दी सारी हिस्बतां नूं मनन वाले ते इहतराम करन वाले जितने भी असी हजूर दे गुलाम तशरीफ फरमा हां अल्लाह जदों साडी जिंदगी दा आखरी टाइम होवे जिस विच रूह दी रफ्तार होवे सुबान ते कलमे दी पुकार होवे ते सामने मदीने वाले मुहम्मद दा दीदार होवे जिहड़ा असी मौत चाहुंदा है फरमाए जरा ऊंची सुभान अल्लाह अली पाक मौला अली पाक ने जिन्होंने मेरे आका ने अपनी जुबान च सुनाई और अली पाक ने वो अजमत वाला वो मकाम और मरतबे वाला कि अली ने उस प्याले दे विचों पानी नोश किया जिस प्याले दे विचों मुस्तफा ने पानी नोश फरमाया ये कोई मामूली मकाम है अली पाक ने उस बर्तन दे विचों खाया जिस बर्तन दे विचों मुस्तफा ने खाया अली उस बिस्तर उत्ते लेटिया जिस बिस्तर उत्ते मुस्तफा करीम लेटिया अली उस मकान की छत दे तले रिहाइश पजीर होए जिस मकान की छत दे तले आमना दा लाल रिहाइश पजीर होया मौला अली उत्ते मेरे आका दा ऐसा रंग चढ़िया सरकार ने खुद फरमाया लामो का लामी जिस्मो का जिस्मी दमो का दमी लोगो अली दा गोश्त मेरा गोश्त है अली दा खून मेरा खून है अली दा जिस्म मेरा जिस्म है जिन्हें अली नाल बुग्ज रखेया उन्हें मुस्तफा नाल बुग्ज रखेया और जिन्हें मुस्तफा नाल बुग्ज रखेया उन्हें खुदा नाल बुग्ज रखेया और जिन्हें अली नाल मोहब्बत की थी उन्हें मुस्तफा नाल मोहब्बत की थी और जिन्हें मुस्तफा नाल मोहब्बत की थी उन्हें खुदा नाल प्यार किया और सरकार ने ऐलान कर दिता मन कुन तो मौला फाज अली जुल मौला वो जिना मैं मौला हर उसका अली मौला हाँ
ਹੁਣ ਇਧਰ ਗਈਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਵਗ ਗਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਫਰਮਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਰੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਸਮਾਤ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਹੈਦ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੇ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੌਰ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਕਤ ਵੀ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਘੜੀ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੌਰ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਫੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੋ ਇਬਾਦਤ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੋ ਇਬਾਦਤ, ਮਲਕਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੋ ਇਬਾਦਤ, ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੋ ਇਬਾਦਤ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੋ ਇਬਾਦਤ। ਮਕਾਮੇ ਗੌਰ ਤਲਾਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਫਰਮਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਜਾਂ ਮੁਕਰਰਾਨਾ ਬਾਤ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਕਾ ਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕੈਸੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲੂਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਾਕ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਹੋਵੇ, ਅਕੀਦਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੱਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਹਬੂਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਂਝਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਦੋ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਟੀਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੋਗੀ, ਰਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਂਝੂ ਦੀ ਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਹੁੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਬੂਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗੋਰ ਹੈ ਆਕਾ ਦੀ ਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ।
अजीजाने गिरामी मुसलमानों इस सिद्दीक के अकबर पाक हैदर करार दा चेहरा वेख रहे ने, मुहब्बत दे नाल वेख रहे ने, प्यार दे नाल वेख रहे ने। और ओ सिद्दीक के अकबर आजम चिश्ती मरहूम ने आखे असी चारे यार नबी दे आला, कोई नहीं है चारा वर्गा, बेचारे यार नबी दे आला, कोई नहीं है चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इना जान सारा वर्गा, कोई ना कोई आया ते ना कोई आसी, भई ना कोई आया ते ना कोई आसी, इना पाक हुबदारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की पुछने कोई कला यार हजारा वर्गा। अजीजा ने गिरामी मुसलमानों इस सिद्दीक अकबर पाक हैदरे करार दे चेहरों वेखी जांदे ने, उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों सच्चे नबी दी सच्ची बीवी, मुसलमानों सच्चे बाप दी सच्ची बेटी और सच्चे मोमना दी सच्ची माँ हजरत अम्मा आयशा तो सिद्दीका ने बेके अर्ज कीता, या अबताओ लिमा तुकसिरु अला वजही अलीन, अबू जी मैं वेख नहीं हूँ तुसी अक्सर बेशतर हैदरे करार दे चेहरों वेंदे हो, कदी सुबह वेंदे हो, कदी दोपहर वेंदे हो, कदी शाम वेंदे हो, ये हर वक्त अली दे चेहरों वेखण दी वजह क्या है? जवाब अबू बकर सिद्दीक आया, काल समीतु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी प्यारी बेटी मैं ज़हरा दे पाक बाबा कोलों सुनिए, मैं हुसैन दे पाक नाना कोलों सुनिए, मैं मुहम्मद दे मुस्तफा कोलों सुनिए। सरकार फरमाउंदे जिस तरह बैतुल्लाह दी दीवारां नूं तकना इबादत है, जिस तरह कुरान दे सिपारां नूं तकना इबादत है, जिस तरह मस्जिद दे मीनारां नूं तकना इबादत है, नज़रो अला वजह अली इबादत, इसे तरह हैदरे करार दे रुखसारा नूं तकना भी इबादत है। शेर ना लाओ सुभान अल्लाह उच्ची फरमाओ यार, ऐ जे जेड़े बाबे बैठे हो नारे रिसाला नारे तहकीर नारे हैदरी। अच्छा जेड़े बाबे बैठे हो तुहानूं छुट्टी है, जेड़े मेरे वर्गे नौजवान हो तुसीं सुभान अल्लाह फरमा लो यार, मजमे दे अंदर खुशकी पैदा हो जाए। ये खुशकी असी सुन के बैर सुन दी, क्योंकि आल से दर वफा करोगे तो जमाना तुझसे वफा करेगा, शबीर मनाते रहना के सहारा तुमको दुआ करेगी, इमाम कर अबू तुराब होगा तो कब्र की मट्टी भी हया करेगी। नारे रिसाल नारे हैदरी नारे हैदरी हैदरी बावजूद भी मेहरबानी ने टाइम अता किया, रस्ता बनाओ माशाल्लाह सारे समझदार बैठे, क्या बात है यार, रस्ता बनाओ बिस्मिल्लाह सलामत रखे सारे मनण आले बैठे, क्या बात है तुहाडी यार, जो सरकार मोहब्बत मैं देखिया थी इबादत की थी, तू देखिया थी इबादत की थी, मौलवी देखिया थी इबादत की थी, गौस देखिया थी इबादत की थी, कुतुब देखिया थी इबादत की थी, सहाबी देखिया थी इबादत की थी, अच्छा जी का चेहरा देखना इबादत है, उस अली की अपनी इबादत का मकाम भी होगा। फरमाया मौला अली का जिक्र इबादत है, और सरकार ने फरमाया मन कुंत मौला फाज अली मौला, जिदा मैं मौला उदा अली मौला है,
जितना बड़ा होगा दरवाजा भी उतना बड़ा है, हजूर का जितना बड़ा इलम है मौला अली का भी बड़ा इलम होगा, क्योंकि हजूर इलम का शहर नहीं, अली उस शहर का बुआ है। अच्छा जी कितना बड़ा इलम है आप अंदाजा लाना। मौला अली पाक फरमाते ने कि जिंदगी बिच मेरी दो ख्वाहिशा पूरी नहीं हुई। तो जो मैं किया क्या है अली पाक का की फरमाने, अली पाक की अपनी जुबान पाक करने वास्ते आखो हैदरी करार दे नाल लो। अली पाक की आंदे ने कि जिंदगी बिच मेरी दो ख्वाहिशा पूरी नहीं हुई। मौला केड़ियां? फरमाया कि पहली ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि मैं जितना बड़ा आलिम सी इतना बड़ा मेरे को मसला किसी ने नहीं पूछे। हैदरी करार कितना बड़ा आलिम है आप अंदाजा लगाना। आसमानी किताब तौरात इंजील ज़बूर ये सारी आसमानी किताबों का इकट्ठा इलम वेखना हो कुरान की ज़ियारत करो। तौरात का इलम भी कुरान के अंदर है, ज़बूर का इलम भी कुरान के अंदर है, इंजील का इलम भी कुरान के अंदर है। तौरात इंजील ज़बूर का इलम कुरान में और सारे कुरान का इलम सूरत उल फातिहा के अंदर। सूरत फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और बिस्मिल्लाह का निचोड़ बिस्मिल्लाह दी पा पादा निचोड़ पादा नुक्ता ते नजफ अशर विच आवाज आंदी है ना नुक्ता तो तहत लपा। लोगो जिहड़ा पा दे थले तुहानू नुक्ता नजर आ रही है ओ मैं अली इब्ने अबी तालिब हां। तो जो है अली कितना बड़ा आलिम है। फरमाया कि सूरत फातिह शरीफ की तफसीर लिखनी शुरू कर दे हां, 70 उठ किताबा दे नाल भर जाए सूरत फातिह की तफसीर मुकम्मल ना होवे। अली पाक दा इलमी मुकाम है। फिर मौका पड़े इंशाअल्लाह फिर दूसरी ख्वाहिश भी पेश करेंगे। किबला बादशाह तशरीफ ले आए अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पारगाह विच दुआ है कि अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए। वाकिर नारे तकबीर।